वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, आज एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। यूजर से हम दो नंबर लेंगे और उनमें से हम थ्रू द प्रोग्राम ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। चलिए शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड corner.h, ये दो हेडर फाइल्स लगानी थी, कंपल्सरी है, लगा दी। फिर प्रोग्राम स्टार्टिंग के लिए void main curly bracket open और इंटीजर में मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। दो नंबर में से ग्रेटर बताना है तो दो वेरिएबल ले लूंगा, int a कोमा b सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन में स्क्रीन को क्लियर कर देंगे। अब मैं यूजर से वो दोनों नंबर इनपुट में लूंगा, तो इनपुट में लेने के लिए प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए, इससे यूजर पहला नंबर इंसर्ट कर देगा। फिर सेकेंड नंबर के लिए प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर, स्कैन एफ में एड्रेस ऑफ बी, तो पहला नंबर कहाँ चला गया, ए में, दूसरा नंबर कहाँ आ गया, बी में। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और फाइनली यूजर को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो मैं लगाऊंगा इफ, क्योंकि कंडीशन की बात आ गई, दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा है तो कंडीशन है इफ, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैंने एक टेस्ट कंडीशन दे दी है, अगर ये ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर ये फॉल्स होगी तो ब्लॉक ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऑपरेटर लगा दिया ग्रेटर वाला, तो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है, अगर यूजर ने ए की वैल्यू ग्रेटर डाली है तो ये कंडीशन क्या आंसर देगी आपको, ट्रू आंसर देगी। तो ट्रू देने पे मुझे इस इफ के ब्लॉक में लिखना है प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, ये मैसेज में यूजर के सामने प्रिंट करा दूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा और एल्स वाला चलेगा ही नहीं, तो जो इफ में लाइन लिखी हो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी और एल्स वाला पार्ट एस्केप हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा फॉल्स आने पे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं एल्स में लिख देता हूँ प्रिंट एफ सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। दोनों कंडीशन समझ में आई, इफ कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू हो, तो कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ए एक्चुअली में बड़ा होगा तो कंडीशन ट्रू होगी। तो इसमें मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, और जब वो नहीं होता है मतलब एक्चुअली में बी बड़ा है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें लिख दिया है मैंने सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। तो गेट सी एच स्क्रीन होल्ड करने के लिए आउटपुट स्क्रीन और प्रोग्राम बंद। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ शॉर्टकट की से अल्टर प्लस F9, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कंट्रोल प्लस F9 से, देखिए प्रोग्राम रन हो गया है, फर्स्ट नंबर एंटर कर रहा हूँ, सेकंड नंबर एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर एंटर किया 10, सेकंड नंबर एंटर किया 20। तो इफ वाली कंडीशन क्या होनी है, फॉल्स होनी है, 20 बड़ा है तो देखिए आउटपुट में आ गया 20, मतलब सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, एल्स वाला ब्लॉक चला। वापस हम मेन स्क्रीन पे आ गए, इस प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं, इस बार हम ए को बड़ा बताएंगे। इस प्रोग्राम को फिर रन किया, वैल्यू ऑफ ए मैंने दे दी है 20 और बी की वैल्यू दे दी है 10, देखिए इस बार आ रहा है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। इसका क्या मतलब है, वो इफ वाली कंडीशन क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी, तो ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट हो गया और एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मतलब सिक्वेंशियल प्रोग्राम को चलने से हम किससे रोक सकते हैं, फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, इफ इफ एल्स और भी कई कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनसे हम प्रोग्राम के नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, कब कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, कब कौन सा ब्लॉक नहीं चलना चाहिए। आशा करता हूँ कि प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा।